Hey guys, I'm Mr. Prezi and welcome back to my another video. So guys, आज हम करने वाले पिक्सार के अंदर 15 अगस्त वाली फोटो एडिटिंग. So guys, बिना टाइम वेस्ट के चलते हमारे वीडियो की तरफ. सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है. पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं. बैकग्राउंड के आ जाने के बाद हमारा जो मॉडल है उसका पीएनजी भी हम ले लेते हैं एड फोटो में जाके. और गाइस, इस मॉडल का जो पीएनजी है उसका जो मैंने बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उसकी भी वो वीडियो भी जाके देख के आना और देख लेना कि एक एक हेयर को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं. और उसके बाद ये देखिए, हमारे पहले हम हमारे मॉडल का पीएनजी थे उसको लेकर हम इसको यहाँ पर से दर्ज कर देते. और अगर गाइज आपने ये ध्वज मैंने कहाँ से लिया उसके लिए आपको मैं उसके लिए भी बता देता हूँ आपको अभी. अगर आपने कोई ऐसी लकड़ी या वैसे कुछ पकड़ के रखा है तो आप सबसे पहले है ना यहाँ पर से हम हमारा जो लकड़ी का जो पीएनजी वो ले लेंगे. ये रहा जो पीएनजी उसको हम ले लेते हैं. उसके बाद इसको हम अपने हाथ पर अच्छी तरीके से लगा देते हैं. ये तो मैंने लगाया हुआ है पहले से, लेकिन आपने अगर नहीं आपको फ़ोटो इस तरीके से नहीं खिंचवाए तो आप इसको आप यहाँ पर से इस तरीके से रख सकते हैं. उसके बाद हम जो फ्लैग है हमारा उसका पीएनजी है वो ले लेते हैं. ये रहा हमारे फ्लैग का पीएनजी, उसको हम यहाँ पर से ऐड कर लेते हैं. यहाँ पर तो मैंने सब पहले से कर रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मैंने ये किया था. तो इसको हम यहाँ पर से रख सकते हैं और फिर इसको हम डन कर देंगे. इसके बाद हम आप यहाँ पर इसे टूल्स में जाके एडजस्ट में जाएंगे कि हमें शेडो भी बनानी होगी. इसके लिए हमें ब्राइटनेस को माइनस में कर देना है. उसके बाद हमें यहाँ पर आके ब्रश टूल पे जाके यहाँ पर से थोड़ी शेडो बढ़ा देनी है. ऑपेसिटी को हम थोड़ा कम करेंगे और हार्डनेस को भी थोड़ा कम रखेंगे ताकि ज़्यादा शैडो बने वो ऐसा कुछ लगे नहीं. उसके बाद हम इसको यहाँ पर से डन कर देंगे, यहाँ से भी डन कर देंगे. उसके बाद हम ड्रॉ टूल पे जाएंगे. ड्रॉप टूल पे जाने के बाद हम फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे ताकि हमारी फोटो है उसकी क्लियरिटी कम ना हो. उसके बाद गैलरी इसमें से हमारी जो फोटो थी उसको हम यहाँ से लाइटरूम के अंदर सेंड कर देंगे. लाइटरूम के अंदर सेंड हो जाने के बाद हम लाइटरूम को ओपन करेंगे. और उसके बाद हम यहाँ पर से सबसे पहले ब्राइट लाइट वाले टूल पे जाएंगे. उसके बाद उसमें एक्सप्लोर को थोड़ा बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे और शेडो को भी थोड़ा कम करेंगे, वाइटनेस को भी थोड़ा कम करेंगे और ब्लैकनेस को भी थोड़ा कम करेंगे. उसके बाद कलर पे आएंगे. कलर में जाने के मिक्स टूल में सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे. उसके बाद सैचुरेशन उसकी कम करेंगे. ये रेड कलर है उसको हम थोड़ा उसकी सैचुरेशन हम थोड़ी बढ़ाएंगे. उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसकी भी सैचुरेशन कम करेंगे. ग्रीन कलर उसकी सैचुरेशन हम थोड़ी बढ़ाएंगे.
ब्लू की भी सैचुरेशन हम थोड़ी बढ़ाएंगे। उसके बाद इसकी भी सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा देते और इसकी भी बढ़ा देते। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे और टाइम को थोड़ा कम करेंगे और वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसके बाद क्लियरिटी पे जाएंगे, क्लियरिटी को भी थोड़ी बढ़ा देंगे, विंटेज को थोड़ा कम करेंगे। उसके बाद शार्पिंग को भी थोड़ी बढ़ाएंगे ताकि हमारी जो फोटो है वो HD हो जाए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर HD जैसा लगे और लेकिन हमारे फेस पे शार्प आ रही है, तो इसके लिए हम नॉइस रिडेशन को भी थोड़ा बढ़ाएं ताकि हमारी फोटो है वो एकदम स्मूथ हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर से जाएंगे सिलेक्टिव टूल्स पे। उसके बाद हम इसको देखते हैं, इसको हम यहाँ पर पैर हमारे पैर है वहाँ तक करेंगे ताकि शैडो जैसा कुछ लगे, और उसका एक्सप्लोर थोड़ा कम कर देंगे ताकि आप देख सकते हैं गाइस हमारी फोटो पहले कैसी थी और अब कैसी है। लाइट रूम के अंदर हम कलर रिडक्शन कर सकते हैं सिर्फ ताकि हमारी फोटो है वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। और ये जो हमारी मैं अपने जो भी एप्लीकेशन यूज़ की है उसकी जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर गाइज आपने मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं अभी अगली वीडियो में।